नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हमारे यहाँ गांव में आने वाला यानी कल 1 जून को जो है नवाले का आयोजन है, शिव पूजन किया जाएगा। और नवाले से पूर्व जो है वो आज कुछ तैयारियाँ इस तरह से की गई हैं। आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, एक एक करके दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये बनाया गया है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ स्थानीय बोली में रसवाला। यहाँ यानी कि इस छत के नीचे जो है वो भोजन तैयार किया जाएगा। और अब एक एक करके दिखाऊंगा मैं आपको। आइए ले चलता हूँ आपको। ये रही पानी की टंकियाँ, यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था है। और यहाँ से जो है वो पानी, ये चला बनाया गया है। यहाँ पर बर्तन इत्यादि साफ किए जाएंगे और हाथ धोने की व्यवस्था, यानी जो भी पानी होगा साफ सफाई का, ये एक चाला बनाया गया है और इस पाइप के माध्यम से इस पानी को बाहर निकाला गया है। अब मैं आपको ले जाता हूँ। ये देखिए, एक चूल्हा है यहाँ पर बनाया गया है। ये स्पेशल एक ऐसा चूल्हा है जिस पर बिल्कुल चावल ही पकाया जाएगा और दूसरी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं बनाई जाएगी। इसके आगे आप देखते रहिए, इसको बोलते हैं स्थानीय बोली में बाढ़, यानी कि ये जो दोनों साइड पत्थर लगे हैं इसके ऊपर बटलोई रखी जाएगी और बटलोई में अलग अलग किस्म की जो है वो दालें बनाई जाएंगी। और साथ साथ में जो मटर पनीर या मदरा जो भी धाम होगी वो सब यहाँ पर ही बनाई जाएगी। और ये एक चूल्हा बनाया गया स्पेशल एक कढ़ी बनाने के लिए। ये देखिए छोटा सा ये चूल्हा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम बनेगी, मात्र कढ़ी। तो नवाले से पूर्व यहाँ पर तैयारियाँ कुछ इस तरह से की गई हैं। आज पूरा दिन ऐसी बारिश हुई, 31 मई है, बारिश ऐसी हुई कि जैसे बरसात हो रही थी। तो इस तरह की तैयारियाँ नवाले से पूर्व की गई है। नवाले का जो आयोजन है वो कल है और नवाला किस तरह से मनाया जाता है ये तमाम जानकारी कल की वीडियो में आप तक पहुँचाऊँगा। और ये रहा हमारा एक गाँव, ये हमारे तो ये गाँव में कुछ मकान जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट तैयार हो चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। और अभी एक दो मकान ये बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। और साथ साथ में आइए मैं आपको ले चलता हूँ, एक एक करके दिखाऊंगा। ये जो है कुर्सियाँ और टेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। नवाले की तैयारियाँ जो हैं वो अभी जोरों पर चल रही हैं। नवाला तो कल होगा। और यहाँ पर जो है कल के दिन नाचने की भी पूरी व्यवस्था होगी, डीजे बजेगा, तो कलाकार लोग जो है वो पूरा एंजॉय करेंगे। और रात को जो है भगवान शिव जी की विधिवत ढंग से पूजा अर्चना की जाएगी। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा, ये गांव का एक छोटा सा दृश्य, छोटा सा गांव है जिसमें छोटे छोटे मकान कुछ बन चुके हैं, कुछ अभी बन रहे हैं। और साथ में बहुत ही खूबसूरत जो है वो हरियाली आ चुकी है, मौसम ने भी अपनी करवट बदली है। मई के महीने में बहुत ज़बरदस्त गर्मी होती थी, लेकिन कुछ ऐसा मौसम चल रहा है कि बिल्कुल एकदम जो बारिश आ रही है बरसात की तरह बारिश हो रही है और ठंड लग रही है। आप देख सकते हैं मैं भी बिल्कुल इस वक्त जैकेट पहने रखा हूँ, इतनी ठंड हो रही है, जबकि मई में बिल्कुल ज़रा भी बैठ नहीं सकते थे, धूप में तो बैठ नहीं थक सकते थे। तो कुछ मौसम भी इस तरह का बदल चुका है, ऐसा लगता है कि मानसून आ चुका है। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं गांव के चारों तरफ लगभग ये सभी जो है सेब की बागवानी जो है वो यहाँ पर करीब करीब बड़े पैमाने पे की जाती है। और इस तरफ तो बिल्कुल यहाँ से लेकर के ऊपर पहाड़ तक ये पूरा का पूरा पहाड़ सेब की जो है वो खेती से भरा हुआ है, पूरा एक तरह का जंगल जो है वो सेब का जंगल ही बन चुका है। तो इस तरह की बागवानी की जाती है। तो ये थी नवाले से पूर्व एक छोटी सी झलक, दोबारा फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है वो इस छत के नीचे जो है वो खाना बनाया जाएगा, धाम बनाई जाएगी। और कल शाम के समय जो है वो रात को जो है भगवान शिव जी की पूजा की जाएगी विधिवत ढंग से जो है।
और यहाँ पर खूब लोग एंजॉय करेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, डीजे पे फुल एंजॉय करेंगे। तो ये थी नवाले से पूर्व एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप तक पहुँचाई है। कल नवाला होगा, नवाले का आयोजन किस तरह का होता है अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय चुरा।